अरे सिकंदर भाई, मैं तमेरे को साची बात कह रहा हूँ, हीना अब देख सकती है। हाँ सुबह तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, ऊपर वाले के घर अंधेर है देर नहीं। अरे यार हमेशा ऊंची कहावत बोलता है। ए भाई, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, समझी गयो? आप समझ गए ना सुबह, बस। अरे उसने तमेरी तकदीर का दरवाजा भी खोल दिया सिकंदर भाई, हमें तो बस ताले को चाबी लगाने की देर है। क्या मतलब? अरे मतलब सु, जिसके खून के जुर्म में तुम यहाँ सड़ रहे हो ना, वो बाहर जिंदा घूम रहा है। क्या बकवास करते हो यार, मैंने खुद उसे अपने हाथों से गोली मारी थी। अरे हाँ हाँ ठीक छे भाई ठीक छे, पर जिस पर गोलियां चलाई थी ना वो भारत श्रीवास्तव नहीं था। फिर? वो तो एक लाश थी, एक मुर्दा था जिस पर भारत श्रीवास्तव का मास्क पहनाया गया था। अने अपने आप को मरवा के तमेरे को फंसाने की खूबसूरत साजिश पर उसी ने की थी। यही तो है ताला चाबी का खेल, समझी गए ना सिकंदर भाई? उसको पकड़ के कानून के हवाले कर दे, तमेरी तकदीर का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। चल दरवाजा खोल जल्दी, साले एक खून की सजा भी फांसी होती है, दो खून की सजा भी फांसी, चल जल्दी खोल, चले शाले जल्दी खोल। चल अंदर जा, चल अंदर जा लॉकर में, चल ये चले जल्दी बंद कर उसको, चल। भागता किधर है? हवलदार पकड़ लो इसे। ए बहादुर, मेरे लिए कोई फोन आए या मुझसे कोई मिलने आए तो बोल देना मैं नहीं हूं। हाँ, और जब तक मैं खुद नहीं जागूं मुझे जगाना मत, समझा? अच्छा साहब, अच्छा हुआ, अब मैं आराम की नींद सो जाऊंगा। श्रीवास्तव, बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता मैं कानून तो क्या, अपने आप को मौत के हवाले भी नहीं करूंगा। तुम मौत को धोखा दे सकते हो मगर सिकंदर को नहीं, मैं तुम्हें कानून के हवाले करके रहूंगा।
चौंक गए ना धर्मा शिकारी की तस्वीर को देखकर? इन मालाओं पे मत जाओ, धर्मा शिकारी अभी मरा नहीं है। वो आज भी विदेश में रहकर अपना काला धंधा चला रहा है, दुनिया को धोखा देकर जी रहा है। इसने मेरे अब्बू, मेरी अम्मी को मुझसे छीन लिया, मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धर्मा ने तुम्हारे सर से माँ बाप का साया छीन लिया और उसके इन भाइयों ने मुझसे मेरा घर परिवार। ये तो शिकारी ब्रदर्स हैं। इनके कहने पर तो मैंने तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही दी थी और मुझे जान से मारने को भी तैयार हो गए थे। ये है शिकारी ब्रदर्स का सबसे बड़ा भाई धर्मा शिकारी। हम दोनों की बर्बादी का जिम्मेदार है पूरा शिकारी खानदान। टीनू और पप्पू को तो मैंने खत्म कर दिया है। आज टीनू को यहां मारने आया था और मिल गए तुम। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मैं पुलिस कस्टडी से भागा और सीधा तुम्हारा पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। और यहां के पता चला हमारे जीने का मकसद एक ही है। जब हमारे जीने का मकसद एक ही है, मंजिल एक ही है, तो फिर इस एक ही लहू के दो रंग क्यों हैं? एक खरा तो दूसरा खोटा क्यों है? एक ईमानदार तो दूसरा बेईमान क्यों है? एक दोस्त तो दूसरा दुश्मन क्यों है? भारत साहब, शिकारी ब्रदर्स ने मुझे अपना मोहरा बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। आज के बाद लहू के ये दो रंग एक रंग में रंग जाएंगे और वो रंग होगा इंतकाम का रंग। भैया गजब हो गया भैया, हमारा सारा प्लान फेल हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे दोनों दुश्मन एक हो गए। कौन दुश्मन टीनू? वही भारत श्रीवास्तव और सिकंदर। अरे सू बात करो छो टीनू भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे आसू भाई, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। फार्म हाउस में शायद मुझे मारने के लिए भारत वहां पर आ गया और भारत को खत्म करने के लिए सिकंदर वहां पर पहुंच गया, लेकिन भाई साहब की तस्वीर देखकर सारा प्लान उल्टा हो गया। अब उन दोनों ने मिलकर हम लोगों को मिटाने की कसम खाई है। पर सिकंदर ऐसा करेगा ही क्यों? क्योंकि उसे इस बात का पता चल गया है कि उसके बाप डीसीपी खान को भाई साहब ने ही मारा था और उसे ये भी मालूम हो गया है कि भाई साहब जिंदा है। तीजा भाई, आ तो लेने के देने पड़ गए। मुझे लगता है हमें तो यहाँ से भागना पड़ेगा। क्या आप बकवास कर रहे हो हसू भाई? शिकारी ब्रदर्स ने कोई चूड़ियां पहन रखी है? तुम ठीक कह रहे हो तेजा। अगर तुमने डर कर हिंदुस्तान छोड़ दिया तो हमारा ये काला साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जब मैंने हिंदुस्तान छोड़ा था तब हम कमजोर थे, लेकिन आज हम इतने ताकतवर हैं कि हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। तो फिर ये दो लौंडे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। तुम पप्पू के तेरवे की तैयारी करो, उसके हवन की आग से हम दुश्मन की चिता जलाएंगे। कौन किसकी चिता जलाता है ये तो वक्त ही बताएगा। सिकंदर ये देखो, ये उस जगह का नक्शा है जहां पप्पू शिकारी का तेरवा होने वाला है। ये सारी प्रॉपर्टी करीब 100 एकड़ में फैली हुई है, चारों तरफ घना जंगल है। पहुंचने का जो रास्ता है वहां पर इतने सारे चेकपोस्ट हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां पहुंचने के लिए हमें जंगल का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम रात को 12 बजे के बाद निकलें तो सुबह होने तक हम वहां पहुंच सकते हैं। हथियारों का इंतजाम हो गया है और मेरा एक और आदमी आता होगा जो कुछ और हथियार लेके आ रहा है। लगता है आ गया। खुद को मरवा कर पुलिस को चकमा देने का तुम्हारा एक खेल खत्म हुआ भारत श्रीवास्तव। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। मगर अब अगर मगर जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर, घर की तलाशी लो। यस सर। सर, हमने पूरे घर की तलाशी ले ली है, यहाँ और कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो चलो।